श्री अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले मंगलवार को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में शिअद प्रमुख सुखबीर बादल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी को भंग कर दिया गया। बैठक में मौजूद नेताओं ने सुखबीर बादल को नए सिरे से कोर कमेटी के गठन किए जाने को लेकर प्रस्ताव रखा, जिस पर सुखबीर ने मौजूदा कोर कमेटी को भंग कर दिया। कोर कमेटी को भंग करने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि पार्टी चीफ सुखबीर बादल को प्रधान पद से हटाए जाने को लेकर एकजुट हुए बागी नेता इस कमेटी के मौजूदा सदस्य थे। आखिरी बार शिअद की कोर कमेटी में 30 नवंबर 2022 को बदलाव हुए थे। अब बगावत के सुर उठने पर एक बार फिर पार्टी हाईकमान ने कोर कमेटी में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए इसे भंग कर दिया। यह फैसला पार्टी प्रमुख की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, हरजिंदर सिंह थामी, बलविंदर सिंह भूंदड़, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, परमजीत सिंह सरना, इकबाल सिंह झुंडा और हरचरण सिंह बैंस मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होने से पहले सुखबीर बादल के इस ठोस कदम से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि पार्टी किसी भी समझौते या बागी नेताओं के मकसद को कामयाब ना होने देने के लिए तैयार है। अकाल तख्त के समक्ष बागी नेताओं ने बीते दिनों पेश होकर लिखित रूप में प्रदेश में अकाली सरकार के समय में हुए बेदबी की घटनाओं, पंथक मुद्दों को पूरा नहीं करने और अन्य गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी। यहां तक कि बागी नेताओं ने पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल पर इन सभी घटनाओं पर सरकार में रहते हुए कार्रवाई नहीं किए जाने की मंशा पर आरोप लगाया था, जिस पर श्री अकाल तख्त साहिब ने बादल को 15 दिन के अंदर पेश होकर जवाब देने के लिए कहा था। भंग हुई शिअद की कोर कमेटी में पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल को प्रधान पद से हटाए जाने को लेकर एकजुट बागी नेताओं के नाम शामिल थे। इनमें गुरप्रताप सिंह वडाला, सिकंदर सिंह मलुका, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा जैसे नेता शामिल थे। दलजीत चीमा ने पार्टी के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बैठक में विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में पार्टी की कोर कमेटी को भंग करने का फैसला लिया गया, इसे जल्द ही पुनर्गठित किया जाएगा। पिछले दिन पार्टी की वर्किंग कमेटी ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब नूं अथोराइज किया कि पार्टी की जिहड़ी जथेबंदी है इनू नवे सिरे तो ऑर्गेनाइज किया जाए और अज पार्टी के सीनियर लीडर साहबान के नाल प्रधान साहब की मीटिंग फैसला किया गया कि पहले गेट के पार्टी की कोर कमेटी जिहड़ी है उन्हों रीऑर्गेनाइज किया जाए। उहदे वास्ते जिहड़ी मौजूदा कोर कमेटी है उन्हों भंग कर दिता गया और बहुत जल्दी जिहड़ी नवी कोर कमेटी है वह जी दोबारा अनाउंस की जाए। अज सारे सीनियर लीडर सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदड़ साहब, एस जी पी सी के प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी साहब, सरदार परमजीत सिंह जी सरना, सरदार महेशिंदर सिंह जी गरेवाल साहब, इकबाल सिंह झूंडा जी सारे ही अज की मीटिंग हाजिर सी। सो छेती दोबारा जी नवी जथेबंदी है कोर कमेटी है वह अनाउंस की। बता दें कि कोर कमेटी के कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे की मांग की थी। इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल में घमासान मचा हुआ था। जानकारों का कहना है कि सुखबीर सिंह बादल ने यह फैसला खुद को सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। वहीं विरोध करने वाले नेताओं ने इसे तानाशाही वाला कदम बताते हुए कहा कि पार्टी नेताओं की बात सुनने और त्याग दिखाने के वक्त यह फैसला निराश करने वाला है। बता दें कि नवंबर 2022 में शिरोमणि अकाली दल ने कोर कमेटी का पुनर्गठन किया था। उधर विरोध के बीच विद्रोही अकाली नेताओं ने 15 जुलाई को 103 साल पुराने संगठन को मजबूत और ऊपर उठाने के लिए एक मंच शिरोमणि अकाली दल सुधार लहर शुरू किया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।